वरिष्ठ दैतापति तथा बीजेडी नेता रामकृष्ण बाबू कहिले नवीन लढ़िबे पुरीरु। जदि नवीन लढ़िबे पुरीरे तबे गंजाम रो हिंजिली आसन छाड़िबे काहिकी? गंजाम रे कमुछि कि बीजेडी रो लोकप्रियता जितिबा नै रहिछि कि आशंका? दिनकु दिन बीजेडी रो अभेद्य दुर्ग कुहाजाउथिबा गंजाम रे भांगुछि कि बीजेडी? राज्य रो सबुठारु अधिक विधानसभा आसन तीन लोकसभा आसन रे आसुछि एही जिल्ला। गंजाम रो गोटिए रे कांग्रेस को छाड़ देले अन्य सबु आसन रे रहिछि बीजेडी। तबे गत पंचायत ओ पौर निर्वाचन देखाइला बीजेडी को प्रकृत आईना। हठात काहीकि पसी आसिला नवीन को विधानसभा आसन बदलिबा कथा, काहीकि उठिला नवीन लढ़िबे पुरीरु बोली, ताकुरी एबे राज्य राजनीति रे चर्चा जोर धरिछि। एकदा जनता दल पई सबुठारु कठिन आसन थिला हिंजिली, एथिपई नवीन आसिका लोकसभा छाड़िबा परे एक चैलेंज भाबे नैथिले एही आसन को। गत 2000 मसीहारु से क्रमागत भाबरे विजयी होई आसुछंती एठारु। गत विधानसभा निर्वाचन रे पश्चिम ओडिसा वोट पई नवीन हिंजिली सह विजयपुर रु लढ़िथिले मध्य शेषरे हिंजिली को ही रखिले। हेले एबे 2024 पूर्वरु वरिष्ठ दैतापति रामकृष्ण दास महापात्र कहिले नवीन पुरी रु लढ़िबा कथा, आउ ताकु नै एबे चर्चा जोर धरिछि। एमिति बि मठ मंदिर भांगी परिक्रमा प्रकल्प करुछंती राज्य सरकार। सेपटे राम मंदिर रेडी हेला बेळकु एपटे रेडी होई जीव श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प। एयरपोर्ट काम मध्य आरंभ होई पारे। पुरी रो टोटल विकासर श्रेय नेबा पई नवीन लढ़ी पारंती पुरी रु बोली चर्चा हेउछि। प्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद, माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक दीर्घ 50 वर्ष भितरे जिते मुख्यमंत्री थिले मध्य नवीन बाबू जो प्रकार पुरीवासी पुरी सहर उन्नति पाई सर्वोपरि जगन्नाथ मंदिर उन्नति पाई समस्त सेवायत भाई मान जी कार्य करिगले से प्रभु का आशीर्वाद रे जदि सी आज पुरी रे निर्वाचन लड़िबे ताकु समस्त दल और समस्त लोक मध्य सहयोग करिबे मोर विश्वास। जदि नवीन पुरी रु लड़िबे तेबे तांको अति प्रिय आसन हिंजिली को छाड़ी देबे कि? कारण गत थर से दुईटी स्थान रु लड़िथिले मध्य शेषरे विजयपुर छाड़ी देथिले। जदि नवीन हिंजिली छाड़ती तेबे एही सब कारण होई पारे बोली चर्चा हेउछि। गंजाम रे बढ़ी चली बीजेडी अंतकंदल आउ एहार प्रभाव पड़ी गत पौर और पंचायत निर्वाचन। गत पौर निर्वाचन हिंजिली रे म्युनिसिपालिटी अध्यक्ष पद पई होइथिबा निर्वाचन रे बीजेडी प्रार्थी केवल 800 खंड भोट रे विजयी होइथिले। 21टी काउंसिलर मध्यरु गोटिए बीजेपी एवं गोटिए कांग्रेस, 4 स्वाधीन प्रार्थी विजयी होइथिले। हिंजिली रे बीजेडी रो अंतकंदल जोगु 4 जण बीजेडी रु बाहरि स्वाधीन भाबे छिडा होइ जितिथिले, परे किंतु सेमाने बीजेडी को समर्थन देइछंती। पौर निर्वाचन रे हिंजिली रे 70% आसन बीजेडी अख्तियार करि परिलानी। सेहीपरि गंजाम रो छत्रपुर दिगबहंडी रे ब्लॉक अध्यक्ष निर्वाचन को नै बीजेडी रो दुई गोष्ठी मध्यरे मुहामुहि परिस्थिति सृष्टि होइथिला। शेषरे दुईटी ब्लॉक रे बीजेडी विधायकक विद्रोही गोष्ठी बाजी मारिथिले। गंजाम एनएससी अध्यक्ष पद बीजेडी विद्रोही गोष्ठी अख्तियार करथिबा बेले रंभा एनएससी, छत्रपुर एनएससी एवं कोदोला एनएससी अध्यक्ष पद बीजेपी हाथ को जाइछि। दिगबहंडी एनएससी कांग्रेस हाथ को एवं ब्लॉक चेयरमैन पद बीजेडी विद्रोही हाथ को जाइछि। एकदा हिंजिली रे नवीन को प्रतिनिधि थिबा गोपालपुर विधायक प्रदीप पाणिग्राही को जन विरोधी कही बाहर कर दिया जिबा परे से एबे नवीन को विरोध रे मोर्चा खोली देछंती। नवीन पठाई थिबा तांको सचिव भीके पांडियन को जोरदार विरोध गंजाम माटी रहितला आउ एहारो माइलेज नैथिले प्रदीप। गंजाम रो लोकप्रिय जिल्लापाल थिबा पांडियन को एभली विरोध केउठी ना केउठी अनेक प्रश्न छिडा करिछि। कोविड खोली देला गंजाम रो दादन चित्र। राज्यर अन्य जिला अपेक्षा एही जिल्ला रे सर्वाधिक लोक दादन खटिबाकु जाउछंती बोली कोविड प्रमाणित कला। सेथिमध्यरु अनेक हिंजिलीरु पोलोसरा विधायक श्रीकांत साहू को नवीन श्रम मंत्री करिथिले, हेले तांको नारे बीजेडी नेत्री संयुक्ता महल अभियोग आणिबा परे मंत्री पदरु विदा करा जाइथिबा चर्चा हेउछि, जहाकि नवीन को भावमूर्ति उपरे आंच आणिछि। गंजाम रो प्राय सबु विधानसभा आसन रे एकाधिक आशायी थिबा जोगु दल मध्यरे गोष्ठी कंदल जळजळ होई देखा जाउछि। जेमिति कि आसिका, कवि सूर्यनगर, छत्रपुर, दिगपहंडी, सोरडा,
ଗୋପାଳପୁର ଆଦି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢି ଚାଲିଛି ପଲିଟିକାଲ ମର୍ଡର। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏହା ନବୀନଙ୍କ ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ। ହିଞ୍ଜିଳିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲା କି? ତେଣୁ ସିଟ୍ ବଦଳାଇବେ? ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଗୁଡ଼ୁଥିବା ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ଆସନ ଖୋଜୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରସନ୍ନ ମହାନ୍ତି। ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ହିଞ୍ଜିଳି କାଟୁରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା କି? ହିଞ୍ଜିଳି କାଟୁର ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ଯେ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ସେଠୁ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ? ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି ଏଇଟା ଟିକେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆଗ ହିଞ୍ଜିଳି କାଟୁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ସେଠୁ ସେ ଜାଗାଟା ଛାଡ଼ିକି ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି କି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବଦଳଉଛନ୍ତି? ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ସେଇଟା ଜିଲ୍ଲାଟି ଏକ ପ୍ରକାର ମୁରବୀ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ବିଗୁଡ଼ୁଛି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କାରଣ ହୋଇପାରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁରୀରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛିଡ଼ା ପାଇଁ। ଏକଥା ନୁହେଁ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିରାପଦ ଆସନ ନାହିଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଠୁ ଛାଇବେ ସେଠୁ ଛିଡ଼ାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ କାରଣ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ 13 ବିଧାନସଭା ଆସନ ଏବଂ 3 ଲୋକସଭା ଆସନ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଆସିକା ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ ନେଇ ଗଠନ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହିଞ୍ଜିଳିରୁ ଲଢୁଥିବାରୁ ଏହାର ଏକ ପଜିଟିଭ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡୁଥିଲା ଗଞ୍ଜାମର ସବୁ ଆସନ ଉପରେ। ହେଲେ ନବୀନ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଆସନରୁ ଲଢ଼ିବେ ତେବେ ଏହାର କି ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି ତାହା ଦେଖିବାର କଥା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।